सलमान खान की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म भारत की अगर बात की जाए तो इस फिल्म ने किया है धमाल। फिल्म भारत अपनी सक्सेस को लेकर कर रही है एंजॉयमेंट की पूरी तैयारी टीम के साथ। फिल्म भारत की सक्सेस को लेकर हर किसी के जुबा पर है एक ही नाम। कटरीना ने कुमुद के रोल के साथ इंसाफ किया है। जी हाँ, कुमुद रोल को जी जान देकर कटरीना ने सवारा है और ऐसा लगता है मानो ये रोल कटरीना के लिए ही बना था। जिस एक्ट्रेस को कभी हिंदी बोलना तक नहीं आता था वो एक्ट्रेस आज हिंदी में इस तरह डायलॉग डिलीवर करने के लिए जानी जा रही हैं कि तारीफ उनकी करते हुए नहीं थक रहे हैं आलोचक। जी हाँ, जिस कटरीना की एक्टिंग कमजोरी थी, एक्टिंग ना आना ही उनकी कमजोरी थी, वो कटरीना इसी कमजोरी को अपनी मजबूत कड़ी बनाकर फिल्म भारत में इसका उदाहरण बन गई है कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड फॉर योर सक्सेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शो दबंग खान स्पेशल में आपके बीच फिल्म भारत के सक्सेस स्टोरी को लेकर कटरीना से जुड़े इस इंटरव्यू की, जिसमें कटरीना ने अपनी सक्सेस का कारण खुद को नहीं बताया है बल्कि मेहनत को बताया है, सलमान खान की मेहरबानी। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा के फिल्म से आउट होने के बाद कटरीना को साइन करना, डायरेक्टर अली अब्बास जफर का कटरीना की बात मानकर उन्हें अहम रोल देना, तो वही कटरीना का हमेशा बुलंद जज्बों के साथ आगे बढ़ना, यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज कटरीना फिल्म भारत में अहम योगदान देने वाली एक्ट्रेस बन गई है। इसके बावजूद सलमान खान की फिल्म है तो ये बात तो होगी कि भाई ईद, एक तो ईद और ऊपर से सलमान और कटरीना की जोड़ी, भला फिल्म को सुपर हिट तो होनी थी, लेकिन सुपर हिट फिल्म में चार चांद सलमान कटरीना की जोड़ी की मोहब्बत ने लगाया, इनकी वो मोहब्बत जो कि आंखों ही आंखों में बया होती नजर आई। खैर, फिल्म की सक्सेस स्टोरी की बात हो रही है तो सक्सेस को लेकर कटरीना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्या कहा है, मैं तृप्ति आज आपकी होस्ट इससे आपको रूबरू जरूर कराना चाहूंगी। दरअसल कटरीना कैफ ने फिल्म भारत के सक्सेस को लेकर बताया कि वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थी, उन्हें पहले से ही इस बात का विश्वास था कि फिल्म को लेकर जो भी रिस्पॉन्स मिलेंगे वो सकारात्मक होंगे, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स कटरीना को पहले ही मिल रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी तो मिल रही थी, पूरी एनर्जेटिक, इसलिए कटरीना फिल्म भारत के प्रमोशंस के वक्त भी थी। इसी के साथ कटरीना ने खान परिवार की भी जमकर तारीफें की है। फिल्म भारत के प्रोड्यूसर्स में से एक सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री और सलमान की सिस्टर यानी कि अलविदा खान के बारे में कटरीना ने कहा, जो सही तरीके से फिल्म को बनाना था, जो रीमेक ओड टू माय फादर, कोरियन फिल्म ओड टू माय फादर की रीमेक है, इसमें कोई भी कमी किसी ने नहीं रखी, यानी कि कटरीना प्यार लुटाते हुए अपने उन लोगों पर नजर आई हैं जो कि खान परिवार के चहेते हैं। अब भाई सलमान खान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उनकी लेडी लव अपने साथ, अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने खान परिवार को भी पूरा का पूरा सम्मान देती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म के स्क्रिप्ट को प्यार देने वाली कटरीना का कहना था कि काफी ज्यादा इंजॉयमेंट हुई थी फिल्म के सेट पर अलवीरा के साथ और सलमान की माँ के साथ, खास तौर पर वो इंजॉय करती रही थी। कटरीना जब ब्राइडल लुक में नजर आई थी तो उन्हें प्यार देने वालों में खास तौर पर अलवीरा थी, खास तौर पर सलमान की माँ थी, जो कि दुल्हन रूप में सलमान के साथ उनकी लेडी को काफी समय से देखने का इंतजार कर रही थी, और ये जब सपना फिल्म में ही पूरा हुआ तो सलमा का खुश होना तो भाई बनता ही है, और यही था वो सच जो कटरीना ने शेयर किया रिसेंटली अपने इंटरव्यू में। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लौटेंगे जल्द आपके बीच बॉलीवुड टाउन की नई स्टोरीज को लेकर हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हर खबर के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।